नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना आशुतोष द्विवेदी जिला फतेहपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम आप लोगों को आज बताएंगे कि आखिरकार सरसों में तेल की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, सरसों की खेती में मुख्य दो बातें होती हैं। पहला, सरसों का उत्पादन बढ़ाना, और किसान भाइयों दूसरा इसका उद्देश्य है दाने में तेल की मात्रा को कैसे बढ़ाना है। किसान भाइयों, उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह कार्य आप लोग करें ताकि आपका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो। पहला कार्य किसान भाइयों यह है कि मृदा स्वास्थ्य जांच के अनुसार खाद का प्रयोग करना है, और किसान भाइयों दूसरी बात है फसल में समय पर खरपतवारों को निकालना। किसान भाइयों, इसमें एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार पाया जाता है ओरा बंकी, उसका नियंत्रण आप लोग जरूर से जरूर करें। सरसों में 2 से 3 सिंचाई किसान भाई आप लोगों को जरूर से जरूर देना है। किसान भाइयों, पौधों में फूलों एवं फलियों के विकास के लिए 5 मिलीमीटर फ्रूट प्लस का प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाइयों, पौधों में फूलों एवं फलियों के विकास के लिए 5 मिलीलीटर देहात फ्रूट प्लस का प्रयोग करें। इसके अलावा 15 लीटर पानी में 75 ग्राम घुलनशील उर्वरक 0:52:34 के अनुपात में मिलाकर छिड़काव करें। खेत तैयार करते समय अन्य उर्वरकों के साथ साथ गंधक युक्त पोषक तत्व जैसे जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनिया सल्फेट का प्रयोग जरूर करें। प्रति एकड़ खेत में किसान भाइयों 8 से 10 किलोग्राम गंधक को किसान भाइयों सल्फर भी बोलते हैं, इसको जरूर से जरूर मिलाएं। इसके प्रयोग से तेल की मात्रा में किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही बुआई से पहले प्रति एकड़ खेत में 4 किलोग्राम बोरेक्स और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट जरूर मिलाएं। किसान भाइयों, हमने भी आपको बताया कि आखिरकार कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करके आप अपने खेत में तेल की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे देश में सरसों का रेट इस वक्त बहुत ऊंची कीमत पर चल रहा है, इसलिए इसका मेन उद्देश्य है उत्पादन को हाई करना एवं बीजों में तेल की मात्रा को बढ़ाना। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए खाद उर्वरक एवं अन्य पोषक तत्वों के प्रयोग से आप सरसों के दाने में तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको किसान भाइयों यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को किसान भाइयों जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अन्य किसानों के साथ भी हमारी यह जानकारी किसान भाइयों जरूर से ज़रूर साझा करें, जिससे उन लोगों को भी आखिरकार पता चल सके कि तेल की मात्रा को कैसे बढ़ाना है। और किसान भाइयों, अगर आप लोगों का कुछ सवाल हो तो हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।